भारत मानव निर्मित नहीं वरन प्रकृति निर्मित राष्ट्र है। उत्तर में विशाल हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर इसकी प्राकृतिक सीमाओं को निर्मित करते हैं। यदि हम उत्तर पश्चिम दिशा में देखें तो भारत की प्राकृतिक सीमा प्राचीन काल में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला तक थी और ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला वर्तमान में अफगानिस्तान और ईरान के बीच की विभाजक रेखा है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का नाम भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश के ऊपर ही परंपरा से पड़ा है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अफगानिस्तान और जो कि परंपरा से ही सदैव भारत का हिस्सा रहा, कब और कैसे भारतीय प्रभुसत्ता से मुक्त होकर के एक अलग देश बना। आइए जानते हैं ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के संबंधों की कहानी। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के इस संबंधों की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार भारत और अफगानिस्तान के मध्य 19वीं शताब्दी में दो और 20वीं शताब्दी में एक अर्थात तीन युद्ध लड़े गए और इन तीन युद्धों के बाद 1919 में जाकर के अफगानिस्तान ब्रिटिश भारतीय प्रभुसत्ता से मुक्त हो गया। बात शुरू करते हैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से। 19वीं सदी के प्रारंभ में एक लंबा गृह युद्ध अफगानिस्तान के क्षेत्र में चला और उसके बाद 1826 में बरकजई कबीले के नेता दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान के अमीर बने। इस समय रूस और ब्रिटेन न केवल यूरोप बल्कि एशिया के विभिन्न हिस्सों में अपने अपने उपनिवेश और साम्राज्यों की बढ़ोतरी के लिए होड़ कर रहे थे। ब्रिटेन चूंकि ब्रिटिश भारत उनका साम्राज्य था, इसलिए वो भारत की सुरक्षा को लेकर के अत्यंत चिंतित रहते थे। अफगानिस्तान चूंकि पश्चिम एशिया और सेंट्रल एशिया जाने का मार्ग प्रदान करता था, इसलिए रूस और ब्रिटेन दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया 19वीं शताब्दी के अंदर। रूस और ब्रिटेन दोनों ने अफगानिस्तान को अपने अपने पाले में करने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि अफगानिस्तान के माध्यम से ही पश्चिम एशिया और सेंट्रल एशिया जाया जा सकता था और रूस भी सेंट्रल एशिया में अपना उपनिवेश और साम्राज्य बढ़ाना चाहता था और ब्रिटेन भी बढ़ाना चाहता था, ऐसी स्थिति में इस बात पर आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेंट्रल एशिया क्या है। देखिए, सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं वर्तमान में, जिनमें आज उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान है, और ये 5 देश लैंडलॉक्ड हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि सोवियत संघ के पतन से पूर्व तक ये सोवियत संघ के साम्राज्य का हिस्सा थे। एक कैस्पियन सागर यहाँ पर है, लेकिन वो किसी भी महासागर से मिलता नहीं है, अर्थात वो भी एक बड़ी झील के रूप में ही है। ये सभी 5 देश अपने व्यापारिक या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय यानी सेंट्रल एशिया में अपना साम्राज्यवाद बढ़ाने के उद्देश्य से रूस और ब्रिटेन में जो प्रतिद्वंदिता 19वीं सदी में शुरू हुई, उसके परिणाम स्वरूप दोनों शक्तियों ने अफगानिस्तान को रिझाने का प्रयास किया। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में मित्रता का असफल प्रयास अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिश भारत ने किया, और जब ये प्रयास असफल हुआ तो 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ
प्रथम अफगान युद्ध लड़ा और 1839 में ब्रिटिश भारतीय सेनाओं ने अफगानिस्तान पर अभियान प्रारंभ कर दिया। बहुत ही शीघ्रता के साथ काबुल, कांधार और गजनी जीत लिए गए और अब अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को अमीर के पद से हटाकर भारत निर्वासित कर दिया गया और उसके चचेरे भाई शाह शुजा को अंग्रेज़ों ने अपने समर्थन से अफगानिस्तान का नया अमीर बनाया। लेकिन अफगान भी राजपूतों की तरह लड़ाकू कौम होने के कारण उन्होंने इस प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं किया और अफगान अनेक कबीलों ने विद्रोह कर दिया, शाह शुजा की हत्या कर दी गई और इस प्रकार एक अव्यवस्था का माहौल अफगानिस्तान में पैदा हुआ। इसी बीच भारत में एक नए गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई जिसे हम एलन बोरो के नाम से जानते हैं। 1843 में एलन बोरो ने भारत आकर के ये देख लिया कि अफगानिस्तान के साथ ना ज़्यादा नज़दीकी अच्छी है ना ज़्यादा दूरी, अतः उन्होंने अफगानिस्तान से बाहर निकलने की योजना बनाई और दोस्त मोहम्मद जो कि भारत में निर्वासित रूप से जीवन यापन कर रहे थे उनको अफगानिस्तान का अमीर बना करके पुनः काबुल की गद्दी पर अंग्रेज़ों ने बैठा दिया। इसी के साथ भारत अफगान संबंधों का प्रथम चरण समाप्त होता है। द्वितीय चरण को प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि 1864 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड जॉन लॉरेंस बने और इन्होंने अफगानिस्तान के संबंध में एक अहस्तक्षेप की नीति चलाई जिसको तत्कालीन ब्रिटिश दस्तावेजों में कुशल अहस्तक्षेप या मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगले दो गवर्नर जनरल जो भारत आए, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, उन्होंने भी इस अहस्तक्षेप की नीति का ही अफगानिस्तान के संबंध में पालन किया। दूसरा अध्याय शुरू करते हैं ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के संबंधों का। 1875 में ब्रिटेन में चुनावों के बाद बेंजामिन डिज़रेली प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक साम्राज्यवादी व्यक्ति लॉर्ड लिटन को 1876 में भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया और ये वो समय था जिस समय रूस सेंट्रल एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रयासरत था। अतः लिटन को ये समझाकर ही भेजा गया था कि ब्रिटिश भारत को अफगानिस्तान के संबंध में एक निश्चित निर्णय लेना ही होगा। कुशल अहस्तक्षेप की नीति ब्रिटिश हितों के लिए घातक हो सकती है, ऐसा उसको निर्देश दे दिया गया था। अतः लॉर्ड लिटन भारत आए और उन्होंने तत्कालीन अफगान अमीर शेर अली खान को नोटिस भेजा कि वो अफगानिस्तान में ब्रिटिश भारत का एक मिशन स्थापित करना चाहते हैं, किंतु तत्कालीन अफगान अमीर शेर अली खान ने यह स्वीकार नहीं किया और इससे लिटन बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने जो उस वक्त के डॉक्यूमेंट हैं उसमें ये लिखा कि अफगानिस्तान मिट्टी का एक बर्तन है और ये ब्रिटेन और रूस जैसे दो शक्तिशाली लोहे के कवचों के बीच में खड़ा है और जब हम चाहें तब हम इसको कुचल सकते हैं। लेकिन लॉर्ड लिटन ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन 1878 में रूस ने एक अपने आर्मी के अफसर इस्तो लेतोव को काबुल भेजा और यही वह समय था जब लिटन ने भी नेविल चैम्बरलेन नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी को अपना दूत बनाकर काबुल भेजा। अफगान अमीर ने रूसी इस्तो लेतोव का तो स्वागत किया, उसको काबुल में सम्मान दिया गया, किंतु ब्रिटिश दूत नेविल चैम्बरलेन को अफगानिस्तान की सीमा से ही वापस भेज दिया गया। लिटन ने इसे ब्रिटिश भारत की अवमानना या उसकी प्रभुसत्ता का अपमान माना और 1878 में द्वितीय ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान युद्ध की घोषणा कर दी। जब ब्रिटिश भारतीय फौज अफगानिस्तान पहुंची, तो शेर अली खान काबुल छोड़कर भाग गया और ब्रिटिश भारत ने आसानी से काबुल पर कब्जा कर लिया।
शेर अली खान के पुत्र याकूब खान को नया अमीर बना दिया गया और ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक संधि हुई जिसे हम गंडमक संधि के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा ये तय हुआ कि काबुल के अंदर स्थायी रूप से भारत का एक राजदूत या एम्बेसी में रहेगा। यह अंग्रेज़ों की जीत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। दित्यांगल अफगान युद्ध में ब्रिटिश भारतीय फौजें जीतीं, अफगानिस्तान का अमीर भी बदल दिया गया, किंतु अफगानों ने शीघ्र ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और 1869 में ब्रिटिश दूत सर लुइस की काबुल में हत्या कर दी गई। पुनः ब्रिटिश भारतीय फौज ने काबुल पर अटैक किया, याकूब ने गद्दी छोड़ दी और पुनः काबुल पर ब्रिटिश भारतीय फौजों का कब्जा हो गया। 1880 में एक नए अमीर अफगानिस्तान के बनाए गए जिनका नाम था अब्दुल रहमान, और इस अब्दुल रहमान के समय में ही अफगानिस्तान की वर्तमान सीमाएं डूरंड लाइन के रूप में निर्धारित की गई 1893 में, और 1893 में इस डूरंड लाइन के निश्चित होने से ही अफगानिस्तान और भारत के बीच में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का निर्माण हुआ। इसी के साथ द्वितीय चरण समाप्त होता है। आइए अब अंतिम चरण की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार अफगानिस्तान अंतिम रूप से भारतीय प्रभुसत्ता से हमेशा के लिए बाहर निकल गया। प्रथम विश्वयुद्ध 1914 से 1918 तक चला और इस युद्ध के बाद सभी लोग जानते हैं कि इस्लामिक जगत में तुर्की का सुल्तान खलीफा होता था, और चूंकि ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रों ने तुर्की और अन्य राष्ट्रों को पराजित कर दिया था, तो ऐसी स्थिति में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की सम्मानजनक वापसी तुर्की के अंदर हो जाए, ये संपूर्ण विश्व भर के मुसलमानों का धार्मिक जोश था। भारत में भी 1919 में हम जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा की सुरक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। प्रथम विश्वयुद्ध के समय अफगानिस्तान के अमीर थे हबीबुल्ला खान, और ये एक होशियार आदमी थे। ये प्रथम विश्वयुद्ध से दूर ही रहे थे, किंतु 1919 में ब्रिटिश विरोधी पठान गुटों ने हबीबुल्ला खान की हत्या कर दी और इनके पुत्र अमानुल्ला खान अफगानिस्तान के नए अमीर बने। अमानुल्ला खान, जो कि थोड़ा मॉडर्न व्यक्ति था, उसने गद्दी पर बैठते ही प्रथम संबोधन में ही ब्रिटिश भारत से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इससे तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध निश्चित हो गया। ब्रिटिश भारत ने अफगानिस्तान से तीसरी अफगान युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन ये युद्ध लंबे समय तक चला नहीं। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटिश भारतीय फौजों ने बढ़ चढ़कर यूरोप में हिस्सा लिया था इस युद्ध में, और इस युद्ध को समाप्त हुए भी ज़्यादा दिन हुए नहीं थे, अतः ब्रिटिश भारतीय फौजें थकी हुई थीं। शीघ्र ही युद्ध अनिर्णित रहने के कारण अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्ला खान से एक संधि की, और ये संधि हुई 8 अगस्त 1919 को रावलपिंडी शहर में। ये रावलपिंडी आज पाकिस्तानी फौज का मुख्यालय का शहर है। 8 अगस्त 1919 को रावलपिंडी में ब्रिटिश भारतीय प्रभुसत्ता की समाप्ति की घोषणा कर दी गई और अंग्रेज़ों ने, यानी ब्रिटिश भारत ने, अफगानिस्तान को इस रावलपिंडी की संधि के द्वारा एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1919 में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद फाइनली अफगानिस्तान भारतीय प्रभुसत्ता से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। तो ये थी अफगानिस्तान की कहानी, और ये वर्तमान पीढ़ी को जाननी अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए ये आज मैंने इस बात पर चर्चा की। धन्यवाद।